गाइस कैसे हो सब यार। उम्मीद करते हैं सारे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को और दिनों के अच्छे से ले रहे होंगे। हाँ बिल्कुल है ना, अच्छे से ले रहे होंगे। सो आ गए हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तारों से दे देते हैं फिर। सो मेरा नाम है मुबशीर और ये है वजाहत। ओके जी, अगर तो आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हुए, हमेशा की तरह सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो और बेल आइकन को प्रेस आउट कर लो कर लो कर लो और नीचे आपको गेमिंग चैनल मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। सो आज की वीडियो का टाइटल बताएं। हाँ बता, तो तू बता। मैं बता दूँ? अच्छा जी, पहले ये बता कितने लोगों ने इसके बारे में तुझे बताया। यार मतलब के हजारों लोगों ने मैं इसके बारे में बताया। इसके नहीं, हजारों थोड़ा ज्यादा नहीं। नहीं यार मजाक सेट के वो नहीं, कमेंट्स में वो जो मोदी सर की वो वीडियो हमने नहीं अपलोड की, तो उसके नीचे ढेर लग गया था। और क्या, वही ना, अभी ये वीडियो है जी, नरेंद्र मोदी इमोशनल स्पीच इन पार्लियामेंट। इमोशनल स्पीच है उनकी पार्लियामेंट में उन्होंने जो की थी, पिछले वाली जो हमने देखी थी उसमें तो भाई हमें तो यकीन मानो प्राउड हो रहा था उनपे बहुत वाकई में। तो अभी देखते हैं कि इस स्पीच में क्या है। तो जल्दी से आपको बिना बोर के पहले वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट स्टार्ट। 14 ईयर ओल्ड वीडियो नंबर 1 पे नहीं। Well, party had. The occasion was historic as Modi walked into the central hall of the parliament. He had never been there before. मतलब first time हो गए। The stage was set for his coronation as BJP's parliamentary party leader. Leader जब बने थे। And then, एक इमोशनल कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। अडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, नरेंद्र भाई ने कृपा की। मैं अडवाणी से प्रार्थना करता हूँ वो शब्द उपयोग न करें। क्या माँ की सेवा कभी कृपा हो सकती है? भाजपा भी मेरी माँ, बेटा कभी माँ पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से माँ की सेवा करता। Wow. Few in the central hall expected India's prime ministerial designate with a 56-inch chati to get emotional. No one thought he would break down. Not surprisingly, many in the audience were moved to tears. A glass of water helped Modi regain composure. And minutes later, he used the same glass of water to make a compelling point. मैंने कहा किसी को ये glass बताओ तो कहता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है। मेरी सोच तीसरे प्रकार की, मैं कहता हूँ आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। मैं बहुत ही आशावादी व्यक्ति हूँ। In many ways, this was his victory address as he urged the nation to shun negativity and shape its destiny. While Modi didn't use the opportunity to score political points, he also did not lose the opportunity to stress that this wasn't just an anti-incumbency vote. अगर देश की जनता ने फ्रैक्चर मैंडेट दिया होता तो ये कह सकते थे कि सरकार के प्रति सिर्फ गुस्से का कारण था या एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है लोगों ने आशा और विश्वास के लिए मतदान किया। मोदी स्पीच टुडे एट द सेंट्रल हॉल वाज परहैप्स अ रिफ्रेशिंग चेंज फॉर अ नेशन हुज आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर वाज मोस्ट ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट हैविंग अ वॉइस। But the impatient India that voted overwhelmingly for Modi will soon start judging him by his actions and not by his words. Suchetna Ray, ET Now, New Delhi. कमाल की स्पीच। मेरे चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी चेकआउट कर लें। और साथ वही वीडियो खत्म। सो अब आते हैं रिव्यू की तरफ, मेन पॉइंट।
तो यार पहली जो इन्होंने बात की ना, जो माँ की इज्जत करने के लिहाज से उन्होंने बात की जिस पर इमोशनल हो गए, तो भाई वो वाला यार पॉइंट्स ने दिल जीत लिया। सही बात है यार, मतलब ऐसी बात बोली कि मतलब कि माँ की इज्जत की, मतलब इतना ये अपनी माँ की इज्जत करते हैं देख। और जब वो पहले में आए जैसी मतलब सीढ़ियों पर मतलब सर उन्होंने, हाँ तो यार वो मतलब चूमा धरती, चूमा धरती को बिल्कुल, जमीन को चूमा भाई, इतनी इज्जत इतने लोगों में यार, इतने लोग उसमें उन्होंने चूमा। और वही ना, और ऊपर से वो जो उन्होंने बोला, मतलब उनकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि आप अपने शब्द वापस लें। यार कौन ऐसे बोलता है, उल्टा वो हंस हंस के, कोई अगर हो तो हंस हंस बोलते हैं थैंक यू आपने इससे मुझे बोला, और इन्होंने मुझे मतलब इन्होंने ये बोला कि आप अपने शब्द वापस। भाई मैं तो उधर मतलब सबसे इतने लोगों के दरमियान में उन्होंने सबसे पहले ये काम किया, और जाके सबसे पहले बात ही उन्होंने की माँ बाप मतलब की इज्जत करो, और मतलब इतने यार अच्छी बात की, और फिर उस पर वो रोने लग गए मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए इमोशन। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो पिछली वीडियो में देखा था ना, सारा घर परिवार सब कुछ उन्होंने इंडिया के लिए छोड़ा, और इंडिया के लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि उनका पीएम इतना महान है। बिल्कुल यार, और बहुत ही आला किस्म की वीडियो थी। और उसमें तूने वो पॉइंट देखा जिसमें यार वो क्या कहते हैं, और हाँ सॉरी, पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी ना हमने, तो उसमें पता क्या हुआ था, नीचे कमेंट्स में बता रहे थे इनके जो भाई है ना, भाई हाँ हाँ, तू क्या समझा प्राइम मिनिस्टर के मतलब होंगे जो भाई होंगे, वो भी आयाश में, तेरे अगर जैन में है तो वो किस तरह रहते होंगे, आयाशी में रहते होंगे, मतलब अगर इनकी फैमिली अमीर होगी तो मतलब अमीर होंगे, अगर ना भी होए तो भाई प्राइम मिनिस्टर हो तो उसके भाई या घर वाले तो आयाशी में रहते हैं, बिल्कुल आयाशी में रहते हैं, बिल्कुल। अब मैं तुझे बताऊं उसके कमेंट में लोग क्या कह रहे थे, क्या कहते हैं, इनके भाइयों की आम सी शॉप है दुकान, अच्छा उसमें काम करते हैं, किधर मतलब अपना, मतलब मुंबई वगैरह, मतलब जहाँ गाँव से आए थे उधर, और इनकी जो माँ है ना उनसे ही मिलने जाते हैं, उनके मतलब इज्जत बहुत उनकी करते हैं, मिलने जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो भी जिस घर में थी वैसे रहती है। क्या बात है यार, क्या बात है। और यहाँ पे, यहाँ पे तो भाई सारे अपने चॉपर्स रखे हुए हैं, चलो जो कुछ भी है, लेकिन इतने बड़े महलों में रहते हैं कि क्या बोले। तो तो यार सैल्यूट है यार, भाइयों से मिलने जाते हैं, सब कुछ मिलने जाते हैं वो। मुझे लोग सब्सक्राइबर ने बोला, अच्छा, कि उनके घर के पास बिल्कुल रहते हैं, अच्छा, ना? तो वो उनकी माँ रहती हैं मोदी सर की, सो वो कह रहे थे कि मेरे उनकी माँ बिल्कुल जो सादा नहीं रहती, हाँ, कोई मतलब ऐश और आराम नहीं है, मतलब उसी में रह रही है, और मतलब जब वो ये मिलने जाते हैं, हाँ, तो वैसी जगह आते। क्या बात है यार, ऐसे काश यहाँ पे भी हो जाए इधर भाई, आप लोगों को। और कहते हैं इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं अपनी माँ, हाँ यार देख, आज इज्जत करते थे, कर रहे हैं, और इस मुकाम पे तो स्पीचों में वो बोल रहे हैं कि ये इज्जत माँ की करो, उससे बड़ी बात है मतलब कि आज तब इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे प्रोटोकॉल तुमने देखा है, 50-50, आप लोगों को यकीन नहीं मानोगे, 60-60 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है, हाँ, खास तर वो नवाज शरीफ लोग, हाँ, उनके साथ, हाँ, बिल्कुल, उनको काफी ज्यादा था, बहुत काफी ज्यादा, 60-60 गाड़ियां, 60-60 गाड़ियां आर्मी और पुलिस। तो यार मतलब ये बहुत मतलब अच्छा लगा ये वीडियो देखे, कि मतलब इतना मतलब कि इन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया है, जैसे इन्होंने पिछली स्पीच में बताया था कि भाई मैंने सब कुछ लेफ्ट किया मतलब एक इंडिया कंट्री के लिए, और आज इस मुकाम पर इंडिया को इतना ये डेवलप कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ पे थे, हमने आज से पहले मतलब कभी नहीं इंडिया देखा, तो हमने कहा यार मतलब आम होगा, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि इंडिया कितना मतलब अप लेवल में पहुंच चुका है, ये इस पिछले 5 सालों में और 1 साल में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र उससे पहले बहुत हालत खराब थी, मुझे काफी लोगों ने मतलब कमेंट में बोलते हैं कि उससे पहले हम भी मानते थे कि हमारा कुछ नहीं था, लेकिन अभी मोदी सर ने क्या मतलब बहुत इनको किया, अभी 10 smart 100 smart cities प्रोजेक्ट, पता नहीं कौन कौन से हाइपर लूप, क्या कुछ नहीं बन रहा, बुलेट ट्रेन, हाँ बुलेट ट्रेन, मुझे मतलब मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने मुझे बताया कि मतलब बुलेट ट्रेन का काम स्टार्ट हो गया है, उसने मुझे पिक्स भी वहाँ की भेजी, हाँ देख लो फिर, वही ना मेहता नहीं है, हाँ, हाँ, का, तो उसने मुझे भेजा था सब कुछ। और मतलब कि अगर यार आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, मतलब आज ये सब्सक्राइब करनी बोलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत मतलब कि हमसे रिलेटेड थी, तो हमने बोलेंगे, तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो तो कर देना, अगर करना हो, हाँ सो यार अभी चलते हैं,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत ज़्यादा देर भी हो गई वही ना, बहुत तो चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना यार, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।